एक बात तो कहा गया है कि हमारे पावर स्टार अपने फैंस के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और फिर से वो लेकर आ रहे हैं बहुत बड़े बड़े धमाके इस बोल बम के गाने में। जी हाँ दोस्तों, पवन सिंह ने कर दी है रिकॉर्डिंग शुरू। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत बड़ी खबर पवन सिंह के आने वाले बोल बम गाने को लेकर। तो आप पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। गलत झपट्टे भोजपुरी के सारा खबर पहुँच जाए रउआ तक राउर अपन चैनल भोजपुरी स्टार ट्यूब। अगर देखो तानी तो सोची मौत, जाके कर दी सब्सक्राइब, घंटा के आइकन के दू हाली जरूर दबा देव, सब खबर फ्री में पहुंची रउआ तक। अगर आप पावर स्टार को दिल से प्यार करते हैं तो उनके लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ कमेंट लिखिए। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि लॉकडाउन का समय चल रहा था, फिर भी पवन सिंह ने अपने गांव में कई गाने की शूटिंग की और सबको अपने गाने को से काफ़ी कहा जाता है ना कि उस टेंशन के माहौल में मनोरंजन किया। वहीं हम आपको खबर दे दें कि पवन सिंह का जल्दी बोलबम गाना हमारे बीच आने वाला है, जहां 3 जुलाई से सावन स्टार्ट होने वाला है। तो पवन सिंह अभी से ही अपने गाने की तैयारी कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, पवन सिंह जोकहरी में स्थित अपने स्टूडियो में ही अपने गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अभी तक यह पता नहीं चला है कि कौन कौन गाना देने वाला है, लेकिन बता दें कि उनके फेवरेट जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं छोटे बाबा, वही इस बार भी म्यूज़िक देंगे। अभी तक पवन सिंह ने ऑफिशियल कुछ जानकारी नहीं दी है, लेकिन सोशल मीडिया पर पवन सिंह की रिकॉर्डिंग की फ़ोटोज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। पवन सिंह जी उसमें रिकॉर्डिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। पवन सिंह के कई इस लॉकडाउन में कितने गाने ने बैक टू बैक कई रिकॉर्ड कायम किया। अब तो हम आपसे यही कहेंगे कि फिर से पवन सिंह एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम करने वाले हैं अपने बोल बम गाने को लेकर। इससे पहले भी पवन सिंह के जो भी गाने आते हैं वो धमाकेदार होते हैं, चाहे वो देवी गीत हो, चाहे बोल बम सॉन्ग हो, चाहे लोकगीत हो, चाहे इंटरनेशनल सॉन्ग हो, चाहे हिंदी सॉन्ग हो, जो गाते हैं पवन सिंह वह ट्रेंड बन जाता है। तो अब यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि पवन सिंह का जब बोल बम गीत आता है तो लोग कितना प्यार करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।